भगवान ना करे, पर जिंदगी में कभी ऐसे हालात आपके सामने आते हैं जहां पे आपको दोस्ती को चुनना है या फिर अलग होना है किसी तीसरे की वजह से, तो प्लीज दोस्ती को ही चुने। तो मैं हूं अनिक, आप सभी का स्वागत करता हूं पबजी मोबाइल के एक और गेम प्ले में। तो यार इस वाले गेम प्ले में होता कुछ ऐसा है कि मेरे से एक ऐसी गलती हो जाती है जहां पे अगर वो गलती नहीं होती ना, मतलब जाने अनजाने में होती है, पर अगर वो नहीं होती तो शायद ये मैच पूरा खतरनाक निकलता। पर देखो सीन कुछ ऐसा होता है, भसड़ होने वाली खतरनाक तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग उतरते पोचिंग की सामने की तरफ, बंदे उतरे हैं पूरी की पूरी टीम है। तो मैं जाता हूँ छोटी मोटी गन यूएमपी वगैरह लेके, क्योंकि यार इससे कुछ ज्यादा उखड़ेगा नहीं, पर जितना हो सके उतना हम उखाड़ेंगे। तो आता हूँ सामने बंदा। क्या सोच के पुश किया तेरे ने? पीछे से आ रहे, ये तो बॉट से दोनों। अब गुड्डू यहाँ पे बोलता है कि ये दोनों तो बोट थे यार, पर उतनी ही देर में रियल बंदे अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं, इसको नॉक कर देते हैं। तो मैं फटाफट से रिवाइव देता हूँ, लेता हूँ एक एम और मारूंगा सिंगल टैप पे, क्योंकि जो ऑटो पे नहीं हो सकता ना वो सिंगल टैप कर सकता है। Excellent work. Marked a location. अब यहाँ पे मैंने पहले वाले बंदे को जैसे सिंगल टैप पे नॉक किया, तुम्हारा भाई फुल चोड़ में जो ही रश किया, पर जैसे ही पड़ी मेरे को भाई साहब पूरे होश में आ गया मैं। फिर बम बम करता हूँ, हील विल थोड़ी जो भी है वो लगा के आगे जाता हूँ, क्योंकि तो इसके और बंदे जो कि रिवाइव दे रहे हैं और भाई दिमाग लगाने वाले होते हैं। पर देखो अब क्या करते हैं हम लोग। दे रहा हूँ एक, यहाँ पे टीपी ले रहा है, पिस्टल लगा रहा है आराम से। इस वाले बंदे का मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, एकदम से भाई आते हैं, जब तक मैं देखता कुछ करता भाई इनने मेरे को नॉक कर दिया। फिलहाल अपने टीममेट ने इसको मार के यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाली टीम खत्म हो गई, मतलब एक बंदा होगा पता नहीं कहाँ कैम कर रहा होगा, हमको मिला नहीं। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, आते स्कूल की तरफ, तो हमको कुछ बंदे की फुटस्टेप आती दिखते भी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर। अरे मनीष और लेजेंड बहुत। अब देखो यहाँ पे तो इन बंदों को हमने लेट के बैठ के मतलब इनकी पेटी बनाई और कुछ नहीं था यार, इनको जैसे ही हम लोग मार रहे थे ना तब फायर आ रही थी हमको अपार्टमेंट्स के कुछ कंपाउंड की तरफ थे तो हम लोग तरफ से, तो हम लोग जो है बग्गी उठा के जाते हैं। और अब तुमको ऐसी ड्राइविंग देखने को मिलेगी ना मेरी, जो कि कभी कभी मैं ही खुद चौंक जाता हूँ कि कौन से नशे करके आया हूँ आज, पर पता नहीं यार देखो बस। यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मेरी 1 HP हुई, वो भी कैसे, गाड़ी से कूद के। जी बिल्कुल हैवी ड्राइवर। तो उसके बाद एक दो बंदे ने गोली मार दी मेरे को, तो नॉक हो गया, पर कोई ना अपने टीममेट अपने को बचा लेते हैं। और अब है देखो इन लोग से बदला लेने की बारी, क्योंकि इन लोग ने भाई फायदा उठाया मेरे लो HP होने का। Watch out!
ऊपर भी और बंदे, ऊपर अलग है क्या? इधर पे अभी क्या स्थिति चल रही है ना कि हमने नीचे वाले बंदों को तो सारों को मार दिया, पर एक कार्टून पता नहीं कौन तो ऊपर चढ़ के बैठा है और ऊपर से जो एंगल नहीं दे रहा, पर वो एक बेवकूफी कर देगा। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम तो तभी करेगा ना बेवकूफी, नहीं तो ऐसे तो कोई नहीं करता भाई, हर कोई कैम करता रहता है। देखो तो देखा, बोला था ना कि भाई बेवकूफी करेंगे, और भाई ने करी भी सही। और जैसे ही झांक रहे थे ऐसे कैसे लोबी हमने इनको पहुंचा दिया। इसके बाद हम लोग घूमते वापस से बंदों को ढूंढने, जैसे ही रोजो की तरफ आते हैं तो ऐसा कुछ लगता है कि बंदे हैं यहाँ पे, और भाई देखो कहाँ कहाँ होते हैं, मतलब पूरे फैले पड़े ये लोग। अब ये वाला बंदा यहाँ पर एक्सर को नॉक करता है, राइट में एक और दूसरा बंदा मेरे को दिखा था तो थोड़ा डर लग रहा था कि यहाँ पर रिवाइव देना सही है कि नहीं, पर जैसे तैसे मैं हिम्मत करके रिवाइव देता हूँ। और फिर साफ सी बात है भाई, अपने को कवर में जाना है तो मैं बाजू वाले घर में जाता हूँ और फिर देखता हूँ बंदे स्पोर्ट करता हूँ कहाँ कहाँ है, सबकी पेटी बनाएंगे। बिल्कुल यार और ये कर दिया अपन ने पहला बंदा नोक, तो ऐसा लग रहा था कि अब जो इजी है सबको मारना, पर भाई ऐसा नहीं है, एक टीम नहीं है यहाँ पे, दो टीमें एक्चुअली में जो कि थोड़ी सी बिखरी हुई है और जो है सारे सांप बने हुए हैं। तो देखो कैसे हम लोग यहाँ से सरवाइव करेंगे, बस देखो पूरी फाइट मजा आएगा। अरे स्मोक में तो कोई नहीं, ये यहीं कहीं लेटा है, मेरे को लग रहा दो लेटे हैं। अरे गाड़ी लेके भाग रहा है, इनको मार रहा था। ये हुई पहली टीम खत्म, और जैसे ही ये फायर आता तो मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पे दो टीम्स थी, तो एक टीम को तो मार दिया, दूसरी टीम को भी मारना आसान होगा अगर मैं लेफ्ट रोटेट मारता हूँ। अगर राइट से मारा फुल ओपन है भाई, रिस्क हो सकता है, बिल्कुल लेफ्ट से जाते हैं हम और देखो कैसे इनकी पेटी बनाते हैं। माना यार कि रिवाइव देने से एक से भले दो इंसान हो जाते हैं, फिर दोनों मिलके पेटी बना सकते हैं, पर ऐसा रिवाइव भी क्या देना कि भाई खुद ही पेटी बनवा लो। अब यहाँ पे इस भाई ने रिवाइव नहीं छोड़ा, जब मैं आया तो भाई रिवाइव ही देते रह गए। कोई ना, आप ऐसी गलती मत करना, अगर बंदा आता है रेडी रहो, फुटस्टेप सुनते रहो, जैसे ही आता है फ्री फायर दे दो भाई, आप रिवाइव देते देते भी मार सकते हो। तो चलो कोई ना, इन लोग को हमने जैसे ही मारा फिर हम लोग निकलते हैं ड्रॉप की तरफ जाते हैं, और भाई एक पूरी की पूरी टीम आती है जिनके पास पहले ही ड्रॉप वाली वेपन होती है, और भाई देखना यहाँ पे क्या ही फाइट निकलेगी। हाँ सही बता रहा हूँ, खतरनाक वाली। Watch out! अरे रे रे रे, नीड मेरे मुंह को ठीक है। मार्क द लोकेशन। अरे भाई
हाँ मैं मानता हूँ कि ये वाला क्लच देखने के बाद हर कोई खुश तो होगा ही, जैसे आप हुए हो तो ऐसे ही मैं भी था करने के बाद, क्लच करने के बाद। पर खुशी खुशी में मेरे एक्सर की जो है हेल्थ देखना भूल गया, कितनी हेल्थ बची, और मैं बैठ के आराम से रिलोड विलोड कर रहा, और उतनी देर में भाई रेगजर की मुंह पे पेटी बन गई। यहाँ पर अगर मैं बचा लेता ना तो आगे गेम प्ले कुछ और होता, पर कोई ना, यहाँ से मैं लूट वूट करके निकलता हूँ, ग्रोजा मिल जाती है, तो एक बंदा दिखता है मेरे को गाड़ी लेके, देखो सीधा कहाँ जाता है, मतलब ड्रॉप की लालच भाई, मतलब हद होती है हद। रोजा सामने गाड़ी, अरे तो हैवी ड्राइवर है। ऊपर कैसे आएगा साला, फ्रेंड मत मारता लोग। अरे लूट के जाएगा आज। देखो भाई लोग, मैं कुछ नहीं जानता, इन भाई की डेडिकेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। मतलब बंदा लाया गाड़ी सीधा उड़ा दी, मेरे को लगा यार कहीं कवर वर में जा रहा होगा, पर जिस तरह से ने उड़ाई, मतलब मज़ा आ गया, मेरे को तो हंसी आ रही थी और सब लोग मज़े में थे। अब यहाँ पे एक टीम दिखी थी जो मेरे को थोड़ी देर पहले, वो यहाँ पे कंपाउंड पे आती है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इन पे रश करूँ, और भाई उल्टा ये मेरे ही पीछे पड़ जाते हैं। और पता है आपको, यहाँ पे ना इस टीम को मैं मार देता, पर तीन गलत सीन हो गए। पहला ये कि मेरी बग्गी का पिछला टायर फटा, जिसके कारण मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ा, नहीं तो मैं कोर में जाके रुकता अच्छी जगह। और दूसरा कि इन लोग की गाड़ी अगर सीधा निकलती तो मेरे को फिर से चांस मिल जाता कोर में जाने का, पर इनकी गाड़ी यहीं ठुक गई, तो भाई मेरे को भगने का चांस नहीं मिला। मुँह पे आए तो जैसे जैसे दो नोक करे, और कोई ना पेटी बन गई। अगले में अपन जो अगले गेम प्ले, मतलब कल खतरनाक गेम प्ले लाएंगे, हाई किल वाला, प्रॉमिस कर रहा हूँ, बस प्रॉमिस। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, जो लोग भी नए हैं, जितने लोगों को भी पसंद आए वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है ना, तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ध्यान रखना, स्टेट घर पे, कोरोना काम डाल रहा है, प्लीज़ घर पे रहो और ध्यान रखना सही में। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।